हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, लीनियर कोरिलेशन में लास्ट में हमने स्कैटर डायग्राम मेथड को ऑब्जर्व किया है। आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी अब जो है कितना परसेंटेज डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे कोरिलेशन की, वो ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसके लिए अब हम आज के सेशन में देखेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड देखेंगे। मगर उससे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मोस्ट आईएमपी है, एंड उसका इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम वर्ड पे देखेंगे ऑलमोस्ट 3 एग्जांपल्स। तो मीनिंग की बात कर लेते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। तो मीनिंग हमारा जो है उसमें हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो वही है द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट इज डेनोटेड बाय आर, स्मॉल आर से यूज किया जाता है। दिस मेजर वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन जी ने यह डिफाइन किया था। थोड़ी देर में अभी हम कार्ल पियर्सन जी की मेथड उसके फॉर्मूलास को भी ऑब्जर्व करेंगे। अब जो है बच्चों देखना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में भी ये यूजफुल होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल -1 to +1, दैट इज आर लाइज बिटवीन -1 and +1। -1 से कम नहीं हो सकता आंसर और +1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता आंसर। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वॉट एवर मे बी द यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी अगर हाइट है सेंटीमीटर में, वेट है केजी में, तो आर फाइंड करोगे तो उसमें ना तो वेट, ना तो केजी आएगा, ना तो आएगा सेंटीमीटर, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो उसी वजह से उसका इंटरप्रिटेशन होता है जो कि अब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, इसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है उससे फ्री है। थर्ड प्रॉपर्टी अब ऑब्जर्व कर लेते हैं दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज सेम एज द वन ऑफ द वेरिएबल्स बिटवीन वाई एंड एक्स। यानी एक्स एंड वाई कहो या वाई एंड एक्स कहो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रहता है, ठीक है। बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स अगर हाइट है, वाई अगर वेट है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट कहो या वेट एंड हाइट कहो, इट इज ऑलवेज द सेम। ध्यान रखना है खास हमें, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द change, that is transformation of origin and scale, that is R UV is equal to R XY is equal to R। यानी UV जो है बच्चों अभी हम देखने वाले हैं कार्ल पियर्सन जी की फॉर्मूला, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ये UV है क्या। अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो यानी मीन चेंज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब हम कह रहे थे इफ द साइन ऑफ वन ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज चेंज्ड देन the sign of the correlation coefficient also changes। yani agar correlation coefficient r xy agar -0.2 hai, agar hum x ki jagah pe -x kar de to uski sign badal jayegi, theek hai। yani example leke kehte hain ki r of -xy is equal to -r of xy, r of x -y is equal to -r of xy, yani change ho jata hai jo bhi original correlation coefficient diya jaye usme। एंड अगर दोनों की साइन चेंज की जाए तो आंसर वही रहता है। यानी इफ द साइंस ऑफ बोथ द वेरिएबल्स आर चेंज्ड देन साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी आर ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई कन्वर्ट्स टू आर ऑफ एक्स वाई, तो दोनों आंसर इसमें वही रहता है, कोई चेंजेस इसमें ऑब्जर्व करने नहीं है। ये मैं बच्चों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड पे, जब तब ये पूरा हिस्सा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बच्चों कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी रेंज है -1 to +1। यानी कि अगर हम इंटरप्रिटेशन करना चाहे तो एक छोटा सा एक डायग्राम है, ये इमेज है, वो आपको हेल्प करेगी 100%। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आर की वैल्यू जीरो है, जहां पे आर की वैल्यू जीरो है तो उसे हम इंटरप्रिट करेंगे एज लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन।
अगर माइनस वन है तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस वन है तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर माइनस वन से करीब आंसर आता है -0.98 -0.78 तो उसे हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। -0.02 -0.11 -0.40 जीरो से नजदीक आंसर आता है तो उसे कहेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। सेम वे पॉजिटिव में 0.20 आया है तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। 0.88 0.99 अगर आता है प्लस में तो उसे हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों अब इसी को हम डिटेल में देख लेते हैं, ये वैसे मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ आर इज इक्वल टू प्लस वन, जिसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहते हैं, कि इफ आर इज इक्वल टू प्लस वन देन वी कैन से दैट देर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई या बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कह सकते हैं इफ व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन उसका रिजल्ट होगा रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। यानी अगर इजी लैंग्वेज में कहे तो एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़े तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू घटे तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इसके अंदर होता है। तो ऐसे पॉइंट्स के अंदर सभी के सभी पॉइंट्स इस टाइप के ऑब्जर्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, तो उसे कहा जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस वन, सेम वही चीज है, आर इज इक्वल टू माइनस वन है तो हम कह सकते हैं दैट देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मगर इसमें होता क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़े इंक्रीज हो तो दूसरे में डिक्रीज होगा, और एक की वैल्यू डिक्रीज हो तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड अगेन परफेक्ट है तो कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इसके अंदर भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। एंड पॉइंट जो है डायग्राम में बच्चों वो रहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन पे। फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल टू जीरो, वैसे मैं डायग्राम में समझा ही चुका हूं इमेज के अंदर कि जीरो है तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है, लैक ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो जीरो है तो वी कैन से दैट देयर इज नो रिलेशन नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन अदर वर्ड्स r इज इक्वल टू जीरो शोज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन एंड हेंस टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी लीनियरली अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट, एंड फॉर सच वेरिएबल वी गेट अ रैंडमली स्कैटर्ड पॉइंट्स ऑन द स्कैटर्ड डायग्राम। यानी कोई भी टाइप का शेप नहीं बनता, वो तो हम स्कैटर डायग्राम मेथड में समझ ही चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देख लेते हैं हमारी कार्ल पियर्सन मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी दूसरी मेथड, कैलकुलेशन वाइज हमारी ये फर्स्ट मेथड होगी ऐसा हम कह सकते हैं। स्कैटर डायग्राम में तो ग्राफ ही देखा था, दैट इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जिसके अंदर हमें नेचुरली हमें पता चली जाएगा दिस मेथड वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन एंड इट इज द मोस्ट आइडियल मेथड, मोस्ट आइडियल मेथड है, इन्होंने ही हमें योगदान दिया है इस फॉर्मूला का। एंड जो फॉर्मूला है वो नीचे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं to find out coefficient of correlation या correlation coefficient। सबसे पहली basic formula है r is equal to covariance between variables x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y, जिसे notation में हम लिख सकते हैं cov xy, बोलना तो है covariance between variables x and y divided by sx into sy। अब बच्चों covariance की formula है जो कि याद रखना है आपको sigma x minus x bar y minus y bar upon n, या फिर दूसरी फॉर्मूला यूज हो सकती है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। अब ये दोनों को अगर हम फॉर्मूला नंबर वन में रखते हैं तो हमें फॉर्मूला नंबर टू एंड थ्री मिलेगा, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। और दूसरी फॉर्मूला अगर हम रखते हैं तो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है कोवेरियंस की जगह पे हम ये हिस्सा रखते हैं sx sy नीचे वही है, खाली ये कोवेरियंस का पार्ट इधर आ जाता है। सिमिलरली सिग्मा xy माइनस n x बार y बार अपॉन n इधर आएगा कोवेरियंस की जगह पे, नीचे sx sy तो रहता ही है। चौथी फॉर्मूला बच्चों देख लेते हैं, ये तीनों शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट एग्जांपल्स के लिए यूज होने वाली है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जांपल्स में तीनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। चौथी या बेसिक फॉर्मूला कहे तो ये होगी हमारी फॉर्मूला, जब x बार y बार दोनों ही इंटीजर्स हो बच्चों तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इन द स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू इन द स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। दोनों इंटीजर हो मीन तो ही ये यूज कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कुछ ही देर में
बोर्ड पे इसके ऑलमोस्ट दो सम्स मैं करवाऊंगा और फिर आखिरी कुछ फॉर्मूलाज है, पहले उसे देख लेते हैं फिर देखते हैं सम ऑन बोर्ड। बच्चों पांचवी फॉर्मूला है, उसके अंदर जब ऑब्जर्वेशंस बहुत ही छोटे हो, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में, तब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon into the square root n sigma x square minus sigma x whole square into n in the square root n sigma y square minus sigma y whole square। और बच्चों उसके बाद सेम x और y की जगह पे हम u भी रख देते हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगी जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकती है। अगर x बार y बार में से कोई एक या दोनों नॉन इंटीग्रल हो तब हम ये छठी फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, और इसके अंदर uv जो मैं आगे कह रहा था उसके बारे में अब ऑब्जर्व करेंगे। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहे जाते हैं, x बार यानी उसे कहा जाता है मीन ऑफ x, y बार यानी उसे कहा जाता है मीन ऑफ y, sx एंड sy आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, सिंपली ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा हिस्सा है। एंड u जो है वो हो जाता है x माइनस a अपॉन cx, वेयर a इज अज्यूम्ड मीन ऑफ x एंड cx इज द सिंपली क्लास लेंथ कह सकते हैं या कांस्टेंट नंबर। सिमिलरली v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन cy, जिसमें b हम कह सकते हैं अज्यूम्ड मीन ऑफ y एंड cy हम कह सकते हैं कांस्टेंट या फिर क्लास लेंथ ऑफ वेरिएबल y। तो बच्चों फॉर्मूला का पूरा पार्ट हमने ऑब्जर्व कर लिया है, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड, जिसमें चौथी पांचवी फॉर्मूला के ऑलमोस्ट तीन एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स ऑन बोर्ड। तो बच्चों कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग समझ लिया हमने, उसकी जो भी फॉर्मूलाज है कार्ल पियर्सन्स मेथड से रिलेटेड वो सभी ऑब्जर्व की, हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एंड उसका इंटरप्रिटेशन भी। तो अब हमें आगे बढ़ना है हमारे एग्जाम्पल का कैलकुलेशन वाला पार्ट। स्कैटर डायग्राम में वैसे आगे हम देख चुके हैं बट वहाँ पे एग्जैक्ट जो डिग्री है कोरिलेशन की वो हमें नहीं मिल पा रही थी, उसी वजह से अब हमें बाकी की दो मेथड्स को करना है जिससे हमें हेल्प होगी कि कोरिलेशन कैसा होने वाला है। ठीक है, प्लस वन से नज़दीक हो तो हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो से नज़दीक में पॉजिटिव में आता है तो हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ 0.5 से कम हो तो, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली माइनस वन से नज़दीक हो तो हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन एंड नेचुरली माइनस 0.5 तक कुछ हो उससे कम तो उसे हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, एग्जैक्ट जीरो हो तो हम कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहले तो हमें नामकरण करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये आप नहीं लिखते तो चलता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कंसीडर एक्स लेने वाले हैं, एक्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ फादर इन सेंटीमीटर दिया गया है एंड वाई में लेंगे हम हाइट ऑफ सन, यानी यहाँ पे हमें चेक करने को कहा गया है कि क्या हेरिडिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हेरिडिटी के लिए ये क्वेश्चन जो है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हाँ फादर की हाइट ज़्यादा है तो क्या उनके सन की हाइट भी ज़्यादा है या नहीं है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा तो हम यस कहेंगे, नेगेटिव आएगा तो हम नो कहेंगे डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं हमारे टेबल फॉर्मेट में। सबसे पहले बच्चों हमें इस टाइप के एग्जाम्पल्स में मीन फाइंड करना होता है, मीन फाइंड करेंगे यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन। अगर हमारा मीन इंटीग्रल होता है तो हम x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं आगे। तो सबसे पहला काम है बच्चों x का टोटल करना है, y का टोटल करना है जो कि अभी हम करेंगे। जरूरत पड़ेगी हमें सबसे पहले x बार की, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, n हमारे पास 3 प्लस 3 6 एन 1 7 है। y बार देखेंगे सिग्मा y अपॉन n, चाहे तो आप ये x बार y बार ऊपर भी लिख सकते हो, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैंने आपको समझ में आया इसलिए लिखा हुआ है ऊपर। आज हम ऑलमोस्ट पहली दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक x बार y बार वाली सिग्मा x माइनस x बार सिग्मा y माइनस y बार अपॉन इन द स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम कह रहे हैं। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। एंड अगर ऑब्जर्वेशंस बच्चों छोटे हो, स्मॉलर ऑब्जर्वेशंस अगर होते हैं हमारे, यानी मल्टीप्लिकेशन इजीली हो पाए, तो दूसरी फॉर्मूला होगी ये, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, फिर
जो तीसरी फॉर्मूला है हमारी यूवी वाली फॉर्मूला, उसका यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये दो फॉर्मूला से रिलेटेड ऑलमोस्ट दो तीन एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं इस सेशन में, ताकि हमें ओवरव्यू पता चल जाए इस मेथड का। तो अब सबसे पहले हमें यूज करना है हमारा कैलकुलेटर। हमें टोटल चाहिए, एक्स और वाई का टोटल चाहिए। सो टोटल इज 1169 सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल आया 1169। सिमिलरली वाई का टोटल भी कर लेते हैं, तो ये हमें मिल रहा है 1176। डाउट लग रहा है तो टैली कर लेने का, 1169 अपॉन 7 करना है। सो दैट इज 167, इंटीजर है 1176 अपॉन हम करेंगे 7, तो वो हमें मिल रहा है 168। तो बच्चों इस तरह से अगर दोनों ही मीन हमारे एग्जैक्ट मीन दोनों अगर x बार एंड y बार इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, इंटीजर होते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या बच्चों, तो आपको सबसे पहले हमें पहले ढूंढना पड़ेगा x माइनस x बार, जिसे कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन, ठीक है। तो ये हम 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा बच्चों सिग्मा x माइनस x बार का टोटल हमेशा जीरो आना चाहिए। यस, ये प्रॉपर्टी थी हमारी वेरिएबल x के लिए एज वेल एज फॉर वेरिएबल y। देखो चेक करते हैं, तो मीन हमारा है 167, तो x बार यानी आप x माइनस 167 करोगे, 170 माइनस 167, 69 माइनस 67, 68 माइनस 67, देन 0, देन माइनस 1। लकीली ये ऐसे अरेंज हुए तो फटाफट काम हो जाता है। सो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 एंड प्लस 6 टोटल होगा 0। ये हमेशा 0 मिलना चाहिए अगर आप x बार y बार इंटीग्रल दोनों है तो। फिर प्रोडक्ट चाहिए, मगर सबसे पहले हमें उन्हें इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा, यानी x माइनस x बार के बाद y माइनस y बार। y बार इज 168, सो आएगा 4, देन 0, 170 माइनस 168, 168 माइनस 168, 165 माइनस 168, 7 माइनस 168 एंड माइनस 2। मिला के आप देखते हो 4 प्लस 2 यानी प्लस 6 हो रहा है, माइनस 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 1 प्लस 5 प्लस 1 6, यानी सिग्मा y माइनस y बार इज ऑल्सो 0। तो जब भी हमें एग्जैक्ट मीन मिलते हैं ये दो टोटल हमेशा जीरो आने चाहिए, नहीं आते हैं तो चेक करो क्या गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद हमें तीन कॉलम बनानी है, एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि हम पहले करेंगे, यानी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। देन उसके बाद हमें नीचे देख सकते हो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों तो नेक्स्ट हमें चाहिए वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ओवरऑल इतनी कॉलम्स जो है बच्चों वो हमें अब बनानी पड़ेगी। अब जो है वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, सो इजीली हो जाएगा। माइनस माइनस ध्यान रखना है, प्लस, एक माइनस हो तो माइनस आता है, दो माइनस है तो प्लस रहता है आंसर ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन में। सो ये प्लस 6 टोटल कर लेते हैं, 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 2 19 प्लस 6 यानी 25। आप पूरा सिग्मा ना लिखो और सीधा 25 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बॉक्स में जगह उस हिसाब से। अब जो है स्क्वायर करना है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना है स्क्वायर में कोई टर्म नेगेटिव नहीं होती, यानी 9410149। पड़ोसी का भी स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दोनों का टोटल साथ में करेंगे, सो 091 एंड 4, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 14, 14 प्लस 14 यानी 28, तो सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर 28 आ रहा है, 16 प्लस 4 20, ये टोटल इजीली हो पा रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट मीन का इस्तेमाल किया है। सो 20 प्लस 9 29 प्लस 1 30 प्लस 4 यानी 34। तो बच्चों हमारे पास आंसर रेडी हो चुका है सिंपली, अब हमें वैल्यू रखनी है खाली और कोरिलेशन कोऑफिशिएंट फाइंड करना है। तो सिंपल मेथड है, इजी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जरूरत रहती है प्रैक्टिस की। सो वैल्यू रख देते हैं, दिस इज 25 डिवाइडेड बाय इन द स्क्वायर रूट 28 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 दो डिजिट में बच्चों हम राउंड ऑफ करके यहां पे लिखेंगे 5.29, ठीक है। 34 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, दैट इज 5.83। अब बच्चों इसका आंसर कैसे लाना है, तो डिनोमिनेटर में है बच्चों, उसे हमें हमेशा डिवाइड करना चाहिए,
सो 25 डिवाइडेड बाय 5.29 जो भी आंसर आया जैसे कि आ रहा है 4.7258, तो उससे अगेन ये नीचे ही है 5.83, तो अगेन सीधा डिवाइड करो 5.83, तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, आंसर आ रहा है 0.8106, या आप दो डिजिट में भी लिख सकते हो फाइनल आंसर, मैं जनरली चार डिजिट में लिखवाऊंगा, तो ये आंसर जो है 0.81 पॉजिटिव वैल्यू है। इंटरप्रिटेशन में हम देख चुके हैं पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा, सो हियर R is positive and it is near to 1. Therefore, हम कह सकते हैं कि there is high degree of correlation, high degree of correlation between x and y, या between अगर पूरा लिखना है तो between height of father and height of son. तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि yes, जिन father की height ज़्यादा है उनके son की height भी ज़्यादा है because of the solid answer. तो हम यहाँ पे जो है strongly कह सकते हैं, पहले हम correlation में diagram के ऊपर से कहते थे तब थोड़ा सा हम idea ले सकते थे कि correlation कैसा है, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करके पता चलेगा अगर r -1 and 1 के बीच में है, वो रेंज होती है हमारी -1 से करीब है तो हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, +1 से करीब है जैसे यहाँ पे तो हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी वो पूरा इंटरप्रिटेशन में ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन में लास्ट में आपको खास ये मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल अब। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का तीसरा एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर हमें एज यूजुअल सबसे पहले तो आंसर लिखने से पहले अज्यूम करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, पहला जो है वो एक्स। अब आ रहा है हमारा सब्जेक्ट का काम कि जिनके अकाउंटेंसी में मार्क्स ज़्यादा है बच्चों, क्या उनके स्टेटिस्टिक्स में भी ज़्यादा है, तो वो हमें चेकिंग करना है इस सम के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल, सबसे पहला काम होगा टेबल में इनको अरेंज करेंगे हम एक्स वाई को, और फिर एक्स बार वाई बार ढूंढेंगे, अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर है तो यही फॉर्मूला यूज होने वाली है, ठीक है। नॉन इंटीग्रल वाला फिलहाल अभी हम सब देख नहीं रहे, तो सभी जो एग्जांपल्स देख रहे हैं अभी इस सेशन में उसमें पहले अभी तो यही फॉर्मूला यूज होने वाली है, वैसे सम लिए एग्जाम में आपको टोटल करना है, मीन फाइंड करना है, बाद में हमें पता चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला यूज होने वाली है। तो टोटल अभी करते हैं, पहले ये y भी लिख देते हैं, फिर प्रोसेस वही रहने वाली है, नंबर्स जो है वो छोटे हो गए, अब यहाँ पे दो डिजिट में है बट ऑब्जर्वेशंस बढ़ गए, लास्ट में 7 ऑब्जर्वेशंस थे, अब जो है बच्चों यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो x बार हम फाइंड करेंगे सिग्मा x अपॉन n, जो कि टोटल करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो आप अपने कैलकुलेटर में टैली भी कर सकते हो।640 मिल रहा है, तो नेचुरली आप देख सकते हो 10 ऑब्जर्वेशन है तो ये डिवाइड बाय 10 करते हैं तो x बार इंटीजर ही मिलेगा। y बार के लिए जाते हैं, y की वैल्यूज ठीक है, तो वो मिल रहा है 610, तो दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल। सो अगर इंटीजर मिल जाता है बच्चों तो हम सीधा ही यही मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम x माइनस एक्स बार, और जैसे कि हम आगे कह ही चुके हैं कि x माइनस एक्स बार जो है उसका टोटल हमेशा जीरो ही आना चाहिए, ठीक है, लिख नहीं देना है, चेक करना है। 60 - 64 दैट इज -4, 80 - 64 दैट इज 16, 50 - 64 यानी -14, अगर डाउट लग रहा है कहीं पे तो चेक कर लेना है, चेक कर लेते हैं। 80 - 64 अगेन 16, 95 - 64 तो दैट इज 31, ठीक है, गलती हो उससे अच्छा है चेकिंग करना चाहिए, और अगर लग रहा है तो माइनस में ऐसे ब्रैकेट करो ताकि आपको पता चले कौन सी वैल्यू माइनस है कौन सी वैल्यू प्लस, सो -24
35 माइनस 64 दैट इज माइनस 29। ब्रैकेट करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये पॉजिटिव है और बाकी का जो ब्रैकेट वाला है वो नेगेटिव है, सो दिस इज प्लस 26। टोटल इसका आपको चेक करना है, पहले प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो, यानी सीधा कर सकते हैं पहले प्लस वालों को प्लस करने का नीचे से, यानी 26 प्लस टेक्निक ये रहेगी 6 प्लस 31 प्लस 16 प्लस 16 जो आंसर आया उसमें सीधे माइनस वालों को माइनस 4 माइनस 14 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 29 मिला के जीरो हो गया। दैट मीन्स हमारा रेडी हो गया है काम, सब्ट्रैक्शन ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, अब हमें करना है y माइनस y बार। तो बच्चों y माइनस y बार, तो अब जो है हमारे पास वैल्यू है y बार की 61, सो 50 माइनस 61 माइनस 11, 75 माइनस 61 यानी 14 माइनस 1, 85 माइनस 64 यानी 20, 85 माइनस 61 यानी 24, चेक कर लेना है डाउट लगता है तो, दैट इज़ ओके। 90 माइनस 61 यानी दैट इज़ 29, देन 40 माइनस 61 यानी माइनस 21, 65 माइनस 61, 30 माइनस 61, 45 माइनस 61, सो मिला के ये जो टोटल मिल रहा है हमें 70 माइनस 61 यानी 9। पहले प्लस वालों को प्लस करना है, नीचे से करो ऊपर से करो, 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 14 जो आंसर आया उसमें माइनस 11 माइनस 1 माइनस 21 माइनस 31 एंड माइनस 16 टोटल इज ज़ीरो। ये ज़ीरो लिखना नहीं है बच्चों, ये ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ज़ीरो रेडी हो जाता है हमारा, अब हम श्योर है कि आगे की कैलकुलेशन गलत नहीं हो पाती, नहीं हो सकती, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, थोड़े नंबर्स बड़े भी आ सकते हैं कभी कभी समटाइम्स, बट डोंट वरी, वी हैव द कैलकुलेटर सो वी डोंट हैव एनी ट्रबल विद दैट। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दो माइनस है तो प्लस होता है, एक माइनस हो तो माइनस रहेगा, ये याद रखना है अगर आपको माइनस प्लस में टेंशन होता है तो। 16 इंटू 14 जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे यूज़ करो कैलकुलेटर को, माइनस माइनस प्लस 14, 16 इंटू 24 384, 31 इंटू 29 दैट इज़ 899, माइनस माइनस अगेन प्लस, 24 इंटू 21 सो दिस इज़ 504, दिस इज़ 24, 24 into 31 minus minus plus this is 744, 29 into 16 so that is 464, 26 into 9 so this is 234। इन सभी को प्लस कर लेते हैं, एक बार टैली कर लेने का, चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, हमारे पास चेक का ऑप्शन हमेशा रहता है। ठीक है, थ्री फाइव थ्री फाइव, यू नो लकीली सॉलिड नंबर मिल रहे हैं दोनों 35 35, ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार होगा। सो 4 का स्क्वायर होगा 16, दिस इज़ 256, 196, 16 का स्क्वायर होगा अगेन 256, 31 का स्क्वायर 961। बच्चों स्क्वायर करने में आपको पता होगा कैलकुलेटर में हम जो नंबर है नंबर एंटर करना है, इनटू करके इक्वल करेंगे तो सीधा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर इज 576, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 576, 29 का स्क्वायर आई थिंक 841 है, फिर भी चेक कर लेते हैं, 841, 26 का स्क्वायर दैट इज 676। तो बच्चों अब इन सभी का जो है वो हमें टोटल ले लेना है, 16 प्लस 256 प्लस 196, ये काम आप इजीली कर सकते हो, कैलकुलेटर ही है, गलती नहीं करनी है एंटर करने में, और टैली कर लेना है, चेक कर लेना है खास, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला। ठीक है, एंड लास्ट इज 676, 4390। नंबर्स छोटे हो या बड़े टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर। ठीक है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर है 196, देन 124 का स्क्वायर 576, दिस इज 841, 21 का स्क्वायर 441, 16, 31 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया था 961। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 एंड 9 का स्क्वायर 81। सो टोटल कर लेते हैं, 121 प्लस 196 प्लस 1 प्लस 576 प्लस 841 प्लस 441 प्लस 16 प्लस 961 प्लस 256, आप कैलकुलेटर में खुद भी चेक कर सकते हो, टोटल इज
490। तो बच्चों बहुत ही प्यारा हिस्सा है, एग्जाम्पल इजी ही रहते हैं, वैल्यू रख देते हैं अब हम और फाइंड कर लेते हैं हमारा कोरिलेशन कोऑफिशिएंट। सो 3535 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर 4390 इन द स्क्वायर रूट 3490। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो 4390 का स्क्वायर रूट इट इज 66.257 है, तो आई शुड राइट 26. 3490 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो मिलेगा हमें 59.076 है, 08 ले लेते हैं। फिर मैंने जैसे सिखाया बच्चों 3535 है, डिवाइडेड बाय पहला करना है 66.26, जो आंसर है उसे अगेन, ये नीचे है इसलिए अगेन डिवाइड करना है 59.08, फटाफट हो जाता है काम। तो आंसर जो हमें मिल रहा है 0.8916। आप चाहो तो दो डिजिट में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दैट विल बी 89। सो हम कह सकते हैं हियर आर इज वेरी क्लोज, या लिख सकते हो नियर वेरी क्लोज टू वन, सो देर इज हाई डिग्री, इसमें भी आ रहा है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, मींस अकाउंट में मार्क्स ज्यादा है तो स्टेटिस्टिक्स में भी ज्यादा ही होंगे, बिटवीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी, इंटरप्रिटेशन लास्ट में खास लिखना है, एंड मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, यानी जो बच्चा अकाउंटेंसी में इंटेलिजेंट है वो स्टेटिस्टिक्स में भी इंटेलिजेंट होगा। हर एक के लिए नहीं कह सकते, यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है बच्चों उसके लिए हम ये कन्फर्म श्योरली कह सकते हैं कि उन दोनों के मार्क्स जो है वो ज़्यादा ही है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके मार्क्स अकाउंटेंसी में कम है उसके स्टेटिस्टिक्स में भी क्या होंगे, कम होंगे। दोनों तरह से कहा जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन के मीनिंग में हमने कहा था चेंजेस आर इन द सेम डायरेक्शन, आइदर बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग, तो दो पॉसिबिलिटी रहती है, बट है तो हमारे पास हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये खास मेंशन करना है हाई डिग्री कंक्लूजन के अंदर। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल जिसमें एक नई फॉर्मूला है हमारी, नेक्स्ट उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मगर इसके अंदर आप देख सकते हो बच्चों डेटा जो है वो सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में भी ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, तो फिर इसके अंदर एक्स बार वाई बार वाली मेथड भी अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर है तो। कार्ल पियर्सन जी ने जितनी भी फॉर्मूलाज दी है एक आगे देखी वो, अब देखने वाले हैं हम दूसरी फॉर्मूला, यानी कि छोटे ऑब्जर्वेशंस हो जब आप मैनेज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन इजीली, एंड वैसे हम करने तो वाले हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल ये, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, विदाउट कैलकुलेटर भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले के ज़माने में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था ट्वेल्थ के अंदर, तब बच्चे अपने आप ही करते थे, और ये स्क्वायर रूट और सबके लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल किया जाता था, लॉगरिथम का, मगर अब कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। आगे के सभी एग्जांपल्स में आंसर सेम ही आएगा, इसमें भी यूवी वाली थर्ड फॉर्मूला भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी अगर आप सम करते हो कोई भी तो आंसर सेम ही आता है। कोई भी मेथड से कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं, कल पर्टिकुलरली बताया गया है अंदर कि ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, वो खाली हमारे सम जो है हमें ईजी लगे, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए कार्ल पियर्सन जी ने इतनी सारी फॉर्मूलाज का लिस्ट दिया है, बाकी आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में फिट नहीं करना है कि ये फॉर्मूला ही क्यों, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ़ायदा कौन से में ज़्यादा रहता है इजी कैलकुलेशन वो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब जो है इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, तो पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो हम करते ही हैं, ठीक है, फिर सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, इसमें मीन की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा एक्स एंड वाई, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, अब ये जो दो वेरिएबल्स दिए गए बच्चों उसमें कोरिलेशन कैसा होगा, स्टडी आवर्स ज़्यादा तो क्या स्लिपिंग ज़्यादा, स्टडी आवर्स कम तो स्लिपिंग कम पॉजिटिव होगा, या स्टडी आवर्स ज़्यादा है तो स्लिप कम होती है, अब वो पता कैसे चलेगा, तो इसमें हम पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करके नहीं कह सकते, जैसे हम आगे कह सकते थे स्कैटर डायग्राम में, या सिंपली प्राइस एंड डिमांड में आपको पता चलता है, उसे मुझे डेटा देने की जरूरत नहीं होती, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा,
मगर इस टाइप के सम में हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जो डिटेल है उसके हिसाब से नहीं कह सकते कि हाँ स्टडी आवर्स और स्लीपिंग आवर्स के बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव कोरिलेशन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा फाइनल आउटपुट में कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्लोज टू वन है, क्लोज टू माइनस वन है या क्लोज टू जीरो। ठीक है, नेगेटिव होगा तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, पॉजिटिव होगा तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव, प्लस वन या माइनस वन से नजदीक हो तो हाई डिग्री। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हमारा सम। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, n अगर आप मेंशन करना चाहो तो एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। ठीक है, और अब हम हमारा टेबल बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस कम है, ऐसे दो तीन सम दिए गए, एक सम मैं इसका करवाऊंगा, बाकी आपको दूंगा घर पे, आप इजीली कर सकते हो, होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। मैं लास्ट में भी बताता हूँ कौन से सम आपको घर पे करने के रहेंगे। सबसे पहला तो टोटल चाहिए हमें, टोटल सिग्मा एक्स का हमें मिल रहा है 30, सिग्मा वाई का टोटल है 40। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रेडी हो गए, कैलकुलेटर जी की जरूरत अब हमें पढ़ने वाली है सिंपली। ठीक है, तो अब हमें करना होगा एक्स इंटू वाई, टोटल कर लेते हैं। एक्स वाई का सिग्मा चाहिए हमें 60 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 40 प्लस 30, सो दिस इज 224। ठीक है, देन अब हमें चाहिए एक्स वाई के बाद चाहिए होगा एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में वाई स्क्वायर। तो इसमें थोड़ी कॉलम्स बच्चों कम हो जाती है, उतना फायदा रहता है इस मेथड का। ठीक है, क्योंकि हमें x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, देन प्रोडक्ट, देन स्क्वायर्स नहीं करना होता, x का स्क्वायर करेंगे 100, 25, 49, 25 एंड 9। तो टोटल कर लेते हैं सभी का 125 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 9, तो दिस इज 208। फटाफट से काम हो जाएगा, y स्क्वायर y का टोटल स्क्वायर करेंगे 36, 81, 49, 64 एंड 100। सो 36 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100, तो वो टोटल मिलेगा हमें 330। तो बच्चों वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पे, सो दिस इज 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई यानी 224, 30 इंटू 40 नीचे आ जाते हैं, एन यानी हमारे पास है 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 208 माइनस सिग्मा एक्स यानी 30 का स्क्वायर। यहाँ पे खास ध्यान रखना है सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का समेशन लास्ट सेकेंड लास्ट कॉलम, गलती से सिग्मा एक्स यहाँ पे ना आ जाए, अदरवाइज रूट के अंदर माइनस नंबर होगा और माइनस नंबर कभी होता नहीं है रूट में, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते नहीं हम। सो 5 इंटू 330 माइनस 40 का स्क्वायर, सिंपली अब वैल्यूज रख देनी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 224, सो दिस इज 1120 माइनस 1200, आंसर नेगेटिव आएगा बच्चों। अब नेगेटिव कोरिलेशन देखने का मौका मिलने वाला है हमें इस सम के अंदर, 208 इंटू 5 दैट इज 1040 माइनस 30 का स्क्वायर 900, सिमिलरली 5 इंटू 330 सो 1650 माइनस 1600, सो ये हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 80, 1040 माइनस 900 दैट इज 140 इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई सी भी मेथड यूज करो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, यानी अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, 140 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो दैट इज 11.83 कह सकते हैं हम, एंड 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज 7.07 कह सकते हैं हम, और आंसर तो लाना हमें आता ही है, क्या करना चाहिए पता है बच्चों आपको। ठीक है, 80 लेना है डिवाइडेड बाय 11.83, जो आंसर है उसे अगेन डिवाइड करो 7.07 से, तो आंसर मिल रहा है हमें 0.95 बट माइनस 0.95। अगर बच्चों आंसर माइनस 1 से करीब आता है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, माइनस 1 से करीब हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज नियर या क्लोज टू माइनस 1, सो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आंसर को, डिवाइडेड बाय 7.07, सो इट इज 9565 है बच्चों, ऑलमोस्ट हम 9565, मैं चार डिजिट में लिखता हूँ आंसर, बुक में अगर आप देखोगे तो माइनस 0.96 लिखा है, माइनस साइन रह ना जाए बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन जो है
उसमें हमें वही सेंटेंस लिखना है जो हम आगे से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, कि हियर आर इज क्लोज टू माइनस वन, ठीक है, वेरी क्लोज टू माइनस वन, सो देर इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, यानी यहाँ पे हम कह नहीं सकते ज़्यादा स्टडी करते हो तो कम नींद आ रही है, कम स्टडी करते हैं तो ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, शॉर्ट में लिखना चाहे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बिटवीन एक्स एंड वाई, और हमें पता है एक्स एंड वाई क्या है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स ऑल्सो। तो अब होमवर्क में बच्चों जो आपको सम देने वाला हूँ मैं एक्सरसाइज में से, बुक के पिटारे में से बात कर रहे हैं हम, उसमें खास आपको जो सम्स करने उसमें एक्सरसाइज 2.2 का अभी जो मैंने करवाया वैसा एक सम आपको मिलेगा, पहली मेथड का दो नंबर का सम आप करोगे, उसके अलावा छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस वाले सम्स हमारे पास हैं, तो उसमें से भी आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सम नंबर 5 है, मेथड आप चाहो तो एक्स बार वाई बार वाली यूज़ करो, या फिर अभी जो हमने यूज़ की एक्स इंटू वाई वाली तो भी चलेगा, मेथड ऐसा कोई परहेज नहीं है कि यही मेथड यूज़ करनी है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आंसर दोनों ही मेथड से सेम आते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहली मेथड जो हमारी है यहाँ पे एक्स बार वाई बार वाली फार्मूला, इंटीजर हो तो यूज़ करना है, ये जब मार्जिनली स्मॉल ऑब्जर्वेशन है तब हम यूज़ कर सकते हैं, दो डिजिट तक इट इज़ ओके, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर एकाध मीन नॉन इंटीग्रल हो, ऑब्जर्वेशन बड़े हो, तब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूवी वाली मेथड। दो सम को आपको घर पे करना है, अच्छे से रेडी करो, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।